हम इस वक्त मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली, वो अपनी टीम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हम देख रहे हैं वो दिन रात लोगों से मिल रहे हैं, खास तौर से जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो रामवीर जी की टोपी है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो टोपी ओढ़े हुए हैं, रुमाल पहने हुए हैं। और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के बासित अली साहब, आपने भाजपा प्रत्याशी का ये जो हुलिया बनाया है, इसकी क्या वजह है? ये मुसलमानों की मोहब्बत और मुसलमानों की तरफ से सम्मान है जो उन्होंने अब वोट के रूप में भी तय किया है और अपनी सभाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में, हर गाँव में उन्होंने जो रामवीर जी को प्यार दिया है, निश्चित रूप से उनको विधायक बनाएगा। मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, 1993 के बाद कभी भाजपा यहाँ पर जीती नहीं है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं का टोपी ओढ़ने से, रुमाल पहनने से साथ मिल जाएगा भाजपा को और भाजपा प्रत्याशी जीत जाएंगे? देखिए, 30 साल की कमी, 30 महीने के लिए विधायक बना करके ये विधानसभा पूरी करना चाहती है। तमाम जो यहाँ की सड़कें हैं, अस्पताल हैं, यहाँ के जो तमाम स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने का काम रामवीर जी करेंगे और कुल ढाई साल का टाइम है उनके पास और लोगों ने मन बनाया है कि 30 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, हर बार चुनाव लड़ते हैं, बड़ी तादाद उनको वोट भी मिलता है, लेकिन इस बार उनके लिए एक हमदर्दी है, उनके लिए अपनाइयत है और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार रामवीर जी को विधायक बनाना है। ये समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और तमाम नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा है वो पुलिस और प्रशासन के ज़रिए दबाव बना रही है, चुनाव नहीं लड़ने दी जा रही है, उन्हें उनके कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के अलावा 11 प्रत्याशी और भी हैं, कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहा है। समाजवादी पार्टी हार चुकी है, हार की बौखलाहट है, निराशा है उनके अंदर, वो अपना खोया हुआ जनाधार ढूंढ रहे हैं इस और एक विक्टिम कार्ड इस तरह खेल रहे हैं कि मैं पीड़ित, लेकिन उन्होंने जो लोगों को सताया है, लोगों का राशन खाया है, लोगों के मुकदमे करा करके उन्होंने जो पैसे लिए हैं, जो यहाँ की सड़कों के नाम पर वो दलाली खाए, वो सब मुद्दे हैं जो तो लोग इस बार यहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है वो जा रहा है भाजपा की तरफ, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आप तो जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि मुसलमान कह रहा है कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको हाजी रिजवान ने ठगा नहीं। कुछ लोग उनसे बात कर लेते, ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, ये बताइए मुस्लिम मतदाता क्या सोच रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये बात सही है क्या भाजपा को? सही है, और मुस्लिम मतदाता जितने भाई रामवीर ठाकुर साहब के साथ हैं इतने किसी के साथ नहीं है, और दिल से मोहब्बत करते हैं वो भी मुस्लिमों से मोहब्बत करते हैं। इसी वजह क्या है इसकी? ये वजह ये है, ये काफ़ी मतलब जो हमारे जो भी मुस्लिम मतदाता हैं उनसे काफ़ी लगाव है, उनका साथ देते हैं और कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। एक और साहब खड़े हैं, ये बताइए रामवीर जी का जो चुनाव प्रचार ये कर रहे हैं तो मुस्लिम मतदाता क्या सोच रहे हैं, आपने क्या सोचा है इस बार? देखिए, मुस्लिम मतदाताओं ने जो सोचा है सही सोचा है, सबको पीछे देख लिया है, ठाकुर रामवीर सिंह से जो भी जुड़ गया है कभी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं हुई है, ना वो रिश्वती है ना कुछ है। तो क्या मतलब निजी तौर पर जा रहे हैं मुस्लिम मतदाता रामवीर सिंह को वोट देने के लिए या भाजपा और मोदी योगी जी की योजनाओं की वजह से जा रहे हैं? कुछ अपनी अपनी सोच है, निजी तौर पर भी जा रहे हैं और मोदी योगी और बीजेपी की नीतियों के ऊपर, उनके उन्होंने जो सदुपयोग इसका किया है उसके ऊपर सोच के भी वो लोग जा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए साहब, क्या लग रहा है आपको, जो मुस्लिम मतदाता है उनका कितना साथ मिल रहा है भाजपा को? 75% मुस्लिम मतदाता भाई साहब के साथ है। अच्छा, हाँ, रामवीर सिंह जी के जी 75%। एक साहब और खड़े हैं बहुत पीछे खामोश खड़े हैं, ये बताइए चचा चुनाव कैसे चल रहा है यहाँ पे? चुनाव साहब बढ़िया चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया चुनाव है। अच्छा, और भारतीय जनता ही पार्टी जीतेगी। हाँ, और यहाँ के विजय रामवीर सिंह। ऐसा तो पहले नहीं हुआ, पहले कभी भाजपा को वोट नहीं देते थे मुस्लिम, इस बार क्या वजह है? ऐसा है क्या, जब बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रही है, बढ़िया स्थिति है, तो सही काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से वोट दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता हैं ज़्यादातर का यही कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो रामवीर सिंह हैं ये हैं, और इनका आप तस्वीर देख लीजिए कि बिल्कुल अलग अंदाज में भाजपा प्रत्याशी का यहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है कुंदरकी में। और जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा है वो ख़ास तौर से एक्टिव है और पूरे मुस्लिम इलाकों में जा जा करके भाजपा के जो नेता हैं वो वोट मांग रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के लिए। और इन लोगों का कहना है कि इस बार जो कुंदरकी के मुस्लिम मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ में हैं। वैदुर रहमान, ABP News Network, मुरादाबाद।